आपका स्वराज एक्सप्रेस में मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। प्रदेश में पूर्व बीजेपी सरकार और वर्तमान में संचालित योजना कुपोषण खत्म करने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की सौगात दी जाएगी, जिसकी तैयारी कर ली गई है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिल भेड़िया ने कहा कि प्रदेश में अब 37% कुपोषण है, प्रदेश को कुपोषण मुक्त करने के लिए योजना का शुभारंभ किया जाएगा। महिला एवं बाल विकास मंत्री से खास बातचीत की स्वराज संवाददाता ने। प्रदेश में कुपोषण किसी जंग से कम नहीं है और प्रदेश सरकार इस जंग से लड़ने के लिए तैयार है और तमाम तरह की योजना चला रही है। इस वक्त हमारे साथ महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया जी हमारे साथ मौजूद है। अभी हाल में एक बड़ी योजना को आप लोग लागू करने वाले हैं कुपोषण को दूर करने के लिए, क्या वो योजना, क्या योजना है, किस तरह से प्लानिंग है? कुपोषण अभियान चलाने के लिए हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे जोर शोर से, पूरे प्रदेश से हम कुपोषण कैसे मिटाएंगे इसकी कार्य योजना बना लिए। 2 तारीख को इनके संचालित भी हो जाएगा, 2 तारीख से शुरू हो जाएगी और सभी विभाग मिलके इस काम को अंजाम देने के लिए सभी विभाग को निर्देशित कर दिया गया। ये सिर्फ महिला बाल विकास विभाग के काम नहीं, इसमें स्वास्थ्य विभाग भी है, PHC विभाग भी है, आपके ग्रामीण विकास विभाग भी है। इस तरह से जो इन विभाग है वो बहुत महत्वपूर्ण इनमें कार्य करेंगे और जो हमारे जिला स्तरीय हमारे कलेक्टर के माध्यम से भी जिस तरह से कुपोषित बच्चों को DMF फंड से जो चीज उन्हें मिलना चाहिए वैसा योजना बना रहे हैं, उनके माध्यम से उनको दिया जाएगा। जी, जैसे आपने बताया 2 अक्टूबर को लॉन्च करेंगे, योजना का नाम क्या है और किस तरह से इसमें कार्य होगा, क्या प्रावधान रहेगी? हमारे छत्तीसगढ़ को कुपोषित मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है, यही है हमारी योजना का नाम, सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाना। कहा जाता है विभाग के पास सुपोषण को लेकर, कुपोषण को लेकर एक डाटा नहीं है। शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि 45% डाटा है, आपने बयान दिया था 35% है, तो ये क्या है, कितने परसेंट है कोई इसका डाटा? हमारे छत्तीसगढ़ में तो 37% है, अभी भी कुपोषित बच्चे हैं और एनीमिया के भी शिकार ज्यादातर हमारे बस्तर एरिया में है और ऐसे जो है हमारे पूरे भारत का जो सर्वे हुआ है उसमें तो 47% बता रहे हैं, पर हमारे छत्तीसगढ़ में 37% जो हमारे सर्वे के अनुसार 37% कुपोषित बच्चे हैं। जो योजनाएं चल रही हैं वो जो बच्चे पैदा हो जाते हैं उनके बाद के लिए हैं, लेकिन ज्यादातर 20% हम बात करें कुपोषण तो माँ के पेट से ही बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, इसके लिए किस तरह की तैयारी है? उसके लिए भी हमारे गर्भवती महिलाओं के लिए भी हमारे विभाग के माध्यम से भी योजनाएं चल रही है और हमारे मुख्यमंत्री जी भी और अन्य विभागों के माध्यम से भी वो योजनाएं चला रहे हैं, क्योंकि गर्म भोजन पौष्टिक भोजन का तो महिला बाल विकास विभाग की ओर से हर आंगनबाड़ी में जहाँ पे वो चिन्हित है गर्भवती महिलाएं उतने लोग को रोज गर्म भोजन वितरण किया जा रहा है और उनके सुविधा के लिए और उनको रेडी टू ईट के माध्यम से और अन्य ऐसे माध्यम है जिससे उनको सुनिश्चित कर उनको दिया जा रहा है। तो अभी आपने सुना मंत्री अनिला भेड़िया जी को, जिनका साफ कहना है कि जो अभी तक के योजनाएं चल रही है वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए प्रदेश स्तरीय बड़े मात्रा में सरकार सजग है और पूरे प्रदेश स्तरीय योजना मुख्यमंत्री सुपोषण योजना 2 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा, जिसके माध्यम से प्रदेश से कुपोषण दूर करने की बात कही जा रही है। कैमरामैन अखिलेश के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर। और खबर रायपुर।